आज मैं एक स्टोर में जा रहा हूँ और उस स्टोर का आपको समझाता हूँ कि स्टोर में क्या सीन है, क्या चीज होती है। ये जी टीके मैक्स, लेकिन आज मैं जाने लगा हूँ करीज में। वो सामने आपको नजर आ रहा है करीज। तो करीज में होता क्या है, करी, वैसे तो करी पकौड़ा भी होता है और जो सालन बनता है उसको भी करी कहते हैं। मैं भी शुरू में यही समझता था कि इधर करी शरीज का मतलब यही है, लेकिन करीज बड़े मज़े की जगह है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना है, कंप्यूटर, मोबाइल, इस तरह की चीज़ें, लैपटॉप्स, तो आज अंदर चलते हैं करीज में और आपको दिखाते हैं कि अंदर से क्या क्या मिलता है। विजिट करते हैं, देखते हैं कितने की चीज़ें हैं। यार मुझे तो वॉचेस पसंद हैं, तो ये हैं जी, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत वॉचेस हैं, गैलेक्सी की हैं, सैमसंग की। ईयरबड्स, ये स्टोर है जी सारा। अभी मैं सारा आपको विजिट करके अंदर से दिखाता हूँ, एक एक चीज़ की तरफ जाएंगे। ये भी सैमसंग है भाई, मेरे पास सैमसंग की वॉच तो है, लेकिन ये कितने की है ज़रा ये भी देख लें, 289 pounds। इतने की है भाई, इतनी सस्ती भी नहीं है, 200 की है ये सबसे सस्ती वाली। तो ये फीमेल्स के लिए है जी, लेकिन ना करीज का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती हैं, यानी किस्तों पे भी मिल जाती हैं। ये हैं जी हे गूगल की चीज़ें, 89.99। इसमें वो अलेक्सा शलेक्सा भी होते हैं। ये सारे प्रिंटर्स पड़े हैं ये दोनों तरफ। प्रिंटर्स इतने महंगे नहीं हैं वैसे, ये देखें सस्ते ही है। ये सारी प्रिंटर्स की लाइन है। ये सैमसंग के मोबाइल्स और लैपटॉप्स हैं। ये सैमसंग का टैब भी है, ये कितने का है जी। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 519 के साथ ये जो लिखा हुआ है ना, अब मंथ, ये वाला सीन भी होता है, ठीक है। इसी तरह ये टैब हैं, ये सारों के नीचे प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे लेना है 8 pounds अ मंथ वाला सीन भी है। ये स्पेक्स लिखी हुई है जी। अच्छा मंथली भी आप ले सकते हैं। इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के टैब्स हैं, एसर के भी हैं, मतलब यहाँ पे आपको हर कंपनी के मिल जाएंगे। ये आईफोन भी सामने है जी, 14 प्रो भी इनसे इंस्टॉलमेंट में भी मिल जाता है, पैसा तो मिल जाता है। आईफोन की सारी प्रोडक्ट्स वो हैं। ये गूगल की क्रोम बुक्स हैं, टच भी है जी, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है, 699। सस्ते वाले भी हैं, 429 वाले भी हैं, 300 वाला भी है। ये पता नहीं इसमें होता क्या है, मुझे तो यार इतना टेक्नोलॉजी का नहीं है आइडिया। ये लें जी यार, आईफोन 14 है ये, प्रो और पता नहीं क्या क्या। मेरे पास आईफोन 13 है, तो मैंने खुद ही चेंज नहीं किया, मैं इसको अपग्रेडेट भी कर सकता था। ये भी जो है ना, किसी ने अगर लेना हो। प्राइस कितनी है जी इसकी, ये प्राइस लिखी हुई है, यहाँ से शुरू हो रही है। वो सारा जो एरिया है वो गेमिंग का है, गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह उधर पड़े होंगे, वो भी जाके देखते हैं। ये गैलेक्सी सैमसंग, अच्छा ये एक वॉच है। फिर मैं मोड़ मोड़ के वॉचेस की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे वॉचेस पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक है वॉच का। ये भी कुछ वॉचेस हैं जी सैमसंग की, ऑन नहीं है, ये ऑन है, इसको चेक करते हैं। सैमसंग की वॉचेस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इनका टच बहुत अच्छा होता है। ये ईयर पॉड्स हैं, ये सैमसंग के मोबाइल्स भी पड़े हुए हैं, सैमसंग के टैब्स भी पड़े हैं, बुक्स, प्रो बुक्स भी पड़ी हैं। ये भी कुछ LCDs लगी हुई हैं दोनों साइड, बहुत मज़े के कलर्स हैं यार इनके, तो दिल खुश हो गया देख के। वो देखें LG की, सैमसंग की। ये देखो यार, इसको स्क्रीन छोटी करके, इतनी ज़बरदस्त इसके कलर्स हैं। कैमरे में इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन बहुत अच्छे कलर्स हैं। और वो सारे गेमिंग के गेयर्स पड़े हुए हैं, ये देखें, ये सारी LCDs हैं। खैर इसी तरह वो HP के पड़े हुए हैं,
ये भी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें। अच्छा गेमिंग चेयर सस्ती वाली भी है जी, 119 की। ये गेमिंग पीसीस पड़े हुए हैं 600 पाउंड, स्पेक्स भी लिखी हुई है। अच्छा यहाँ पे ये गेम शेम का है, ये मेरे ख्याल से फ्री है, खेल सकते हैं आप। ठीक है, ये गेमिंग चेयर्स हैं जी 179, और ये सारे गेमिंग लैपटॉप्स हैं। ये है जी लेनोवो का, ये इसके प्राइस है और ये स्पेक्स है। ये स्क्रीन ही इतनी बड़ी है सोनी की कि इसके अंदर आ ही नहीं रही यार। यहाँ पे आके दिल करना शुरू हो गया लेने का कुछ, लेकिन ये है कि महंगी हैं चीज़ें, नहीं बाय कर सकते। मतलब कर सकते हैं बट तो क्या बंदा करे, नहीं दिल तो कर रहा है, खैर दिमाग नहीं कर रहा, दिमाग कहता रहने दो। ये देखें इतनी बड़ी हैं और इतने ज़बरदस्त कलर है ना। ये जी ड्रोन्स भी हैं DJI मिनी के, ये भी है आपका भाई, आप वीडियोस देखें तो कभी ये भी ले ही लेगा, इससे फिर वीडियो बनाया करेंगे। ये डिफरेंट कैमरास हैं ड्रोन्स, इसके अंदर भी देख के, ये बड़े बड़े ड्रोन्स भी हैं भाई। अच्छे सस्ते वाले भी हैं लेकिन भाई महंगे वाले भी हैं। ये भी ड्रोन्स हैं क्या, उस साइड पर सारे DSLRs लगे हुए हैं, और ये बड़े बड़े वो हैं। और ये हैं जी बेबी मोनिटर्स, क्योंकि गोरे बच्चों को अलग कमरे में सुलाते हैं, तो यहाँ पर रूल है जो भी आए वो अपने बच्चे के लिए अलग रूम होना चाहिए, तो इसलिए ये सारे बेबी मोनिटर्स हैं। भाई ये DSLR कैमरास हैं, तो यहाँ पे मैं देख रहा था अभी एक फीमेल है वो हिजाब करके काम कर रही हैं, मुस्लिम है, तो भाई करीज में भी मिल जाता है, मतलब बस बंदे को इन लैंग्वेज वैंग्वेज आती है, जॉब शॉप का इशू नहीं होता। तो भाई मज़ा आ रहा है कसम से, दिल कर रहा है हर चीज़ ख़रीद लूँ, लेकिन क्या करूँ फिर। इस तरफ भी भाई सारी फिर जो है ना मशीनें ही हैं, मुझे तो इनमें इतना इंटरेस्ट नहीं है, फीमेल्स को होगा तो वो फ्रिज फ्रीज़र इस तरह की सारी लॉन्ड्री, मतलब ये सारी इस तरह की चीज़ें इधर हैं ले सकते हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बहुत बड़ा शोरूम है। तो भाई एग्ज़िट करने लगा हूँ, अब मैं बाहर निकल आया हूँ जी, लिया कुछ नहीं है, बस आप लोगों के वीडियो बनानी थी बना लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।